सारे जेड एक्स आई प्लस वाले ना अपनी बड़ी स्क्रीन वाले, यहाँ पर जो सीट कवर है ना भाई वो पूरे एक्स्ट्रा कम्फर्ट वाले सीट कवर है, देख सकते हो भाई। अभी इसको इंस्टॉल भी करेंगे, दिखाऊंगा अभी इंस्टॉल करते हुए। ये क्या है, ग्लास होल्डर, ये सारी चीज प्रॉपर वर्क करेंगे वहाँ, देख सकते हो ठीक है। और बाकी ये देख सकते हो टॉप मॉडल वाला जो मीटर है, कितनी ज्यादा ब्राइट है, इतनी ज्यादा ब्राइट ना आपको कहीं नहीं मिलेगी। पूरी रूफ जो है वो वेलवेट कर दिया ना, और ये वाला सीन भी देखो, ये अपना सनशेड वाला आता है ना, ये भी पूरा रूफ कर दिया, देख सकते हो पूरा वेलवेट है। यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया अपना 16 इंच का वाला है। इसकी जो ड्रम है ना भाई वो रेड करे हैं अंदर से, यहाँ पर लगी है ये वाली डैम्पिंग, ऑडियो बैंक की डैम्पिंग लगी हुई है। प्लास्टर तो देख सकते हो भाई, ये भी एक अलग ही लुक दे रहा है, अगर प्लास्टर आप इसके अंदर लगवा ले तो। 28,000 की विद इंस्टॉलेशन एरिया, ठीक है। और ये दिखा रहे हो इनर हैंडल, तो आप ब्लैक में भी रैप करा सकते हो, दो कलर में आप इसको करवा सकते हो। यहाँ पे आईडी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और यहाँ पे आपका एस वाला लोगो भी लग जाता है ना, काफी ज्यादा बड़ी लग रही है। इसमें ऑल ओवर लग के ना सब ज्यादा बड़ी लग रही है। टॉप मॉडल वाली हेडलाइट है, आईपीएस का प्रोजेक्टर लग रहा है, इसमें क्रिस्टलाइज 120 वाट वाली एलईडी है। मस्टैंग का लोगो जो लग रहा है काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो भाई आज आपके लिए फिर से वाली आ चुका एक और नई वीडियो। तो भाई यहाँ पर अब आपको दिखाने वाले हैं, हम स्विफ्ट दिखाने वाले हैं। तो स्विफ्ट का कौन सा वाला वेरिएंट है? अलग सही है। तो कहाँ तक हम उसे लेके जाएंगे, कौन सा वेरिएंट बना रहे हैं? ओवरऑल जो भी काम होता है सारा ZXi+ पूरा ZXi बनाने वाला है। तो भाई आपके लिए मैं लेके आ चुका हूँ Alexa to ZXi की मॉडिफिकेशन, जो कि भाई मतलब सब कुछ चेंज कर देंगे, सारा कुछ मारुति जेन्युइन वाला पार्ट लेगा, सारा मारुति जेन्युइन होगा। और गाड़ी हमने पहले भी एक तैयार करी थी, उसी को देख के ये वाली गाड़ी आई थी बस ना, और सेम एज इट इज वैसा काम इसके गाड़ी के अंदर भी होगा, ठीक है। तो भाई आपको इसके लिए प्राइसिंग देखना है तो भाई पूरी वीडियो देखो, मैं उसके अंदर आपको प्राइसिंग भी बताऊंगा, तो पूरी लास्ट तक वीडियो देख लो। प्रेजेंटिंग यू 2022 की जो अपनी स्विफ्ट आ रही है भाई, ये पूरा Alexa वेरियंट है, जिसको मनीष भैया ने माई कार पर कर दिया पूरा रेडी है। मनीष भैया कैसा काम लग रहा है? देखो आप बताओ, मेरे को तो एक नंबर लग रही है गाड़ी भाई। लास्ट टाइम भी हमने कुछ इस तरीके की गाड़ी तैयार करी थी, तो यहाँ देख सकते हो भाई मस्टैंग का लोगो जो लग रहा है काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ये पर्सनली भैया दोबारा से लेके आए हैं खुद यार। ये ना एक वीडियो में कस्टमर लगवा के लाया था जो हमने उस दिन डाली थी, तो भैया कह रहे थे सेम वैसे ही लगा, सेम वैसे ही है। तो भाई लुक देखो, मतलब इस जाली पे काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, जो ग्रिल है ना काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। प्राइसिंग की बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी देख सकते हो आप इसका जो लुक है, यहाँ पे इंस्टॉल किया इसके अंदर भाई फ्रंट में हेडलाइट पूरी जो ZXi वाली हेडलाइट होती है, नीचे भाई ये देख सकते हो DRL जो है इसके, और यहाँ पर भी कौन कौन से क्या क्या लगाया हमने इसके अंदर। नीचे हमने क्रिस्टलाइज की एलईडी लगाई है 120 वाट की, ठीक है, आईपीएच का प्रोजेक्टर लगाया है, आईपीएच का प्रोजेक्टर, टॉप मॉडल वाली हेडलाइट लगाई है, टॉप मॉडल वाली हेडलाइट है, आईपीएस का प्रोजेक्टर लग रहा है, इसमें क्रिस्टलाइज 120 वाट वाली एलईडी है, इसका रोड पे रिस्पांस भी आपको दिखा दूंगा कैसा लग रहा है। और ये वाला जो है मैट्रिक्स में जो DRL आता है इसका फॉग लाइट DRL वो है। गाड़ी देखो भाई कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है, और देखो भाई रियल में जो लुक है कुछ इसका ऐसा लुक आपको नजर आ जाएगा, काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। और एक बार भाई बात कर लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, साइड प्रोफाइल में भैया हमने इसका मिरर भी चेंज किया, ZXi वाला ना लगाया इसमें भी, और में जैसे हम लोग करते हैं ना ये रो आता है मिरर, ठीक है। भैया कह रहे थे भैया मुझे रो वाला नहीं चाहिए, मुझे व्हाइट कलर ही चाहिए, तो फिर इसमें हमने कवर भी अलग लगाया है। अच्छा, कवर व्हाइट वाला, ये व्हाइट वाला अलग है, तो ये मिल जाता है अलग से क्या? इसका कुछ चार्ज वगैरह होता है? चार्ज होता है 700 चार्ज होता है व्हाइट का, वैसे नॉर्मली ब्लैक आता है, ब्लैक नहीं आता, रो आता है, रो। अच्छा, रो आता है, पेंट नहीं होता उसमें ना, रॉ कलर आता है, जैसे कि आप जब भी पेंट बिना पेंट की जो चीजें आती हैं वो चीज होता है, रॉ कलर से बोलते हैं। तो भाई ये देख सकते हो फिनिशिंग देख लो भाई इसकी एक बार, तो ये पूरा ऑटोमेटिक काम करेगा, वो भी आपको करके दिखा दूंगा। तो आप इसका साइड वाला लुक भी चेकआउट कर सकते हो, काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, इसमें अलॉय वाला लग के ना सब ज्यादा बढ़िया लग रही है। भैया टेल लाइट कौन सी है वाली? मर्सिडीज वाली, स्कैनिंग वाली भाई, स्कैनिंग वाली है, इसका फंक्शन भी आपको दिखा दूंगा। भाई बात करते हैं इसकी, अलॉय व्हील तो देख ही रहे हो, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो डोर गार्ड, ठीक है, तो डोर गार्ड है, काफी ज्यादा बढ़िया रहता है, और ये चीज में पहले से लगी थी, ये भी पहले से लगा हुआ था। बाकी जो इसकी लोअर गार्निश वगैरह ये चीजें अभी इंस्टॉल हुई है, मतलब इसमें एक आध चीज भैया ने पहले लगवा रखी थी, क्योंकि ये तो मॉडल है 2021 वाला मॉडल है, 2018 में ये मॉडल हमारे पास आ गया था। अब आप देख सकते हो उसका बैक साइड भी कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है भाई, देख सकते हो भाई पूरी मर्सिडीज वाली लुक है। और ये देख सकते हो भाई डिफ्यूजर वगैरह, बाकी आपने देख लिया पिलर लाइट वगैरह कैसी लग रही है, और आप देखो पूरा लुक जो है ना गाड़ी का वो अलग ही खिल के आ रहा है। भैया पिलर लाइट का क्या प्राइस वगैरह रहता है वैसे? ये नई वाली जो आई है, देखो 100 रुपए का फर्क है इसमें और पहले वाली में, 2000 की वो भी लगा, 2000 की ये भी लगा, दो भी सेम ही दे रहे हैं, मतलब है कोई भी लगा लो, आपका मन है ये वाली लगा लो, आपका मन है ये वाली लगा लो, जिसमें आपको फीचर मिल जाता है। बाकी जो हमने एम्बिएंट लाइट लगाई भैया कौन सी है वो? वही जो कार्डी लगा, कार्डी वाली है 5 पीस वाली, तो उसमें विद 1 ईयर वारंटी। मैक्सिमम कितने वाली पीस लगा सकते हैं इस गाड़ी के अंदर? जो लगाते हैं लग जाएगी 20 वाली पीस में, तो भाई 20 वाली भी इस गाड़ी के अंदर आप इंस्टॉल करा सकते हो, जिसमें काफी ज्यादा ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ पे लगते हैं।
बट गाड़ी देखो भाई कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। इंस्टॉल हुई है आर डी की सेंटर लॉकिंग, तो भाई कुछ सेंटर लॉकिंग का रिमोट है ठीक है, इसमें यहाँ पे आर डी की ब्रांडिंग मिल जाएगी और यहाँ पे आपका एस वाई लोगो भी लग जाता है ना, तो प्रॉपर ये काम करेगी आपका, इसी से गाड़ी भी आपकी स्टार्ट लगे। यहाँ पे फ्लैशर तो देख सकते भाई, ये भी एक अलग ही लुक दे रहे हैं, अगर फ्लैशर आप इसके अंदर लगवा लेते हो तो काफी अच्छे से लुक दे देंगे आपकी गाड़ी को। तो हेडलाइट में भी एलईडी है, नीचे भी एलईडी है और रिस्पांस रोड पे जो है वो कुछ ये वाला है, ये देखो मतलब काफी आर पार का रिस्पांस है इसका। करते हैं बैक साइड की, तो बैक साइड में हमने इंस्टॉल की थी इसके मर्सिडीज वाली जो टेल लाइट आती है भाई, तो कुछ इस तरीके से रनिंग करेगी वो ठीक है, मैट्रिक्स वाली होती है तो मैट्रिक्स में कुछ इस तरह से रनिंग करती है, देख सकते हो कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है भाई ठीक है, दोनों साइड से देख सकते हो भाई काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। आफ्टर मार्केट टेल लाइट जब गाड़ी के अंदर लग जाती है ना, तो भाई लुक जो आता है गाड़ी का अलग ही निकल के आ जाता है। और इसके अंदर मर्सिडीज वाला जो हमारा डिफ्यूजर आता ना, पहले ये लोहे वाला गार्ड लग रहा था बट इसको हटा दिया गया और यहाँ पर मर्सिडीज वाला जो डिफ्यूजर आता वो लगा दिया, तो मतलब इससे ज्यादा अच्छी लुक ये वाला देगा। गाड़ी देख सकते हो भाई कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है और अलॉय व्हील के साथ तो अलग ही लग रही है भाई ठीक है। बाकी जो इसके प्राइसिंग वगैरह है ना वो उसकी बाद में बात करेंगे हम, लेकिन यहाँ पे आपको दो तीन चार ऑप्शन मिल जाते हैं इनको चेंज कराने के, अलग अलग मिनी कूपर मिल जाएगा, मर्सी सी क्लास मिल जाता है और एक आपका ये वाला मिल जाएगा और एक और आता है थोड़ा अलग वही मिल जाएगा, मतलब चारों ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है, कोई भी आप इसके अंदर लगवा सकते। वाला स्पॉयलर जो कि भाई गाड़ी के अंदर कंपनी फिटेड होता है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, मतलब ये देख सकते हो, उसको आप ब्लैक में भी रैप करा सकते हो, दो कलर में आप इसको करवा सकते हो, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आप अलग कलर कराना चाहते हो तो भाई वो भी करा सकते हो। तो ये कंपनी वाला जो आपको स्विफ्ट का मिलता है ना एज इट इज़ वही है सेम, और इससे लुक भी काफ़ी अच्छी होती है, और एक जब गाड़ी हमारी कभी लंबे रूट पर आती है ना तो उससे कुछ हवा वगैरह भी इससे काटने में काफ़ी ज़्यादा काम आता है, तो ये चीज़ भी आप इजिली आप इंस्टॉल करवा सकते हो। इसके जो पुराने वाले टायर थे भाई वो यहाँ पे पड़े हुए जो कि भैया ने ऐसे कैसे निकलवा दिए और यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया अपने 16 इंची का ओलाई। इसके जो ड्रम है ना भाई वो रेड करे हैं अंदर से ना, आगे पीछे के दोनों जो होते हैं ना ब्रेक पैड जिसे बोलते हैं पीछे का ड्रम बोलते हैं, तो वो उसको रेड कर दिया उसको, जिससे लुक भी लॉयबल की लुक भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। बाकी चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करें, गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनाया है। बात कर लेते भाई सबसे पहले यहाँ की, तो ये है कुछ इसका डोर पैनल जो कि भाई अलेक्साई वाला डोर पैनल नहीं है, यहाँ पे पहले अलेक्सी वाले था बट इसको चेंज करके जेड एक्साई वाला कर दिया, तो ये देख सकते हो भाई पूरा डोर पैनल चेंज हो चुका है और यहाँ पर ये सारे बटन जो है वो वर्किंग मोड में है, देख सकते हो शीशा वगैरह सब कुछ, मतलब मारुति जेन्युइन वाला सीन रहता तो उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इनर हैंडल भी इसका चेंज कर दिया हमने, तो माई कार जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें जो मेरी अभी तक जितनी वीडियो आपने देखी होगी मोस्टली वीडियो के अंदर हमने ये सारी चीज़ें बदली हैं और मोस्टली वीडियो का जो इंटीरियर हम कुछ ऐसे ही रखते हैं सिमिलर सिमिलर, ताकि कस्टमर को ना एक अच्छी चीज़ मिल जाए जो बढ़िया बोलते हैं। तो यहाँ पर ना गाड़ी के अंदर एक डैम्पिंग वाला सीन भी होता है जो कि आपकी जो साउंड है उसको इनहेंस कर देती है, और ये देख सकते हो भाई पूरा ठोस हो गया। अब आपको दिखाता हूँ डैम्पिंग होती कैसे इस गाड़ी में, तो हमने पूरा पैकिंग कर दिया बट यहाँ पर भी हमारे पास एक स्विफ्ट खड़ी हुई है जिसके अंदर डोर पैनल वगैरह सब चीज़ चेंज हो रही है, बाकी सिस्टम विस्टम का काम चल ही रहा है। तो यहाँ पर लगी है ये वाली डैम्पिंग, ऑडियो बैंक की डैम्पिंग लगी हुई है देख सकते हो आप ठीक है। तो ये कुछ ये अंदर वाला पार्ट है जो कि पीछे वाला पार्ट जो है वो हार्ड हो जाता है, इसके ऊपर पूरे पे यहाँ पे भी डैम्पिंग लगेगी, तो कुछ इस तरीके से डैम्पिंग इसके अंदर इंस्टॉल हो जाती है और गाड़ी का जो गेट बंद होने के बाद कुछ ऐसा लगता है, तो डोर पैनल इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा ये कुछ पूरा फिनिशिंग के साथ, और यहाँ पर ये चीज़ें प्रॉपर काम करेंगी, मतलब आपके साइड मिरर जो है वो प्रॉपर दोनों साइड काम करेंगे, वहाँ का भी देख सकते हो आप ठीक है। बाकी इसको सेट वेट करना है तो यहीं से आप इसको नोब के थ्रू सेट भी कर सकते हो इजीली। तो ये बाकी यहाँ पे इंस्टॉल की गई है एम्बिएंट लाइट जो कि भाई चारों के चारों गेटों में आपको मिल जाएगी, कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा पीसेस वाली कराते हैं कुछ लोग कम पीसेस वाली कराते हैं, तो इस गाड़ी के अंदर हमने इंस्टॉल करी है 5 पीसेस वाली एम्बिएंट लाइट जो कि भाई आर पार वाली होती है, मतलब लाइटिंग जो होती है इसकी आर पार होती है देख सकते हो। बाकी एक बार इसको ना रिमोट से भी कंट्रोल करके दिखा दूंगा आपको। तो भाई इसके इंटीरियर की, तो यहाँ पर वेलकम लाइट लगी हुई है स्विफ्ट की ठीक है, तो ये आपके चॉइस के ऊपर होती है आपको ये लगवानी है या नहीं लगवानी है, बट ये है कि आपको अगर लगवानी है तो वो सारी चीज़ आपके लिए अवेलेबल करवा दी जाती है। 70 मैटर भी डलने हैं वो भी दिखा दूंगा आपको 70 मैटर्स के अंदर कौन से डल रहे हैं, बट यहाँ पर जो सीट कवर है ना भाई वो पूरे एक्स्ट्रा कंफर्ट वाले सीट कवर है। तो भैया एक बार मैं बात करता हूँ इसके सीट कवर की आपसे, तो सीट कवर हम सभी स्विफ्ट के अंदर ये वाले डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं या फिर कस्टमर की चॉइस है? मांगता है, हम सिर्फ दिखाते हैं और कस्टमर वीडियो भी देख लेते हैं, वीडियो देख के आते हैं खुद ही कहते हैं कि वही बनाने वही वाले बनाने हैं। तो भाई ये कुछ जिसके सीट कवर है ना काफी, मतलब आपने बैठ के देखा कभी सीट पे? लगता है कस्टमर क्यों मांगता है इसको, रिकमेंड क्यों करता है? लुक भी अच्छी आती है, कंफर्टेबल ही ज्यादा। तो भाई ये देख सकते हो आप इसके पूरे के पूरे जो है ना अंदर का सीन देख सकते हो कितने ज्यादा फॉर्मिंग वगैरह रहता है। तो भाई मैंने भी सोचा कि आगे चल के मैं भी जब गाड़ी अपनी जब अपग्रेड करूंगा ना तो यही वाले सीट कवर करूंगा, मैंने दूसरे वाले करे थे बट यहाँ पर अगर मैं अप करूंगा तो कुछ ऐसा करूंगा। अच्छा रूफ भी करी है इसकी देख सकते हो भाई, पूरी रूफ जो है वो वेलवेट कर दिया ना, और ये वाला सीन भी देखो ये अपना सनशेड वाला आता ना ये भी पूरा रूफ कर दिया देख सकते हो, पूरा वेलवेट है काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, देखो पूरी की पूरी रूफ वेलवेट कर दी, मतलब अंदर का लुक ही बदल गया, व्हाइट वाला कुछ सीन है ही नहीं, तो डुअल कलर में बाहर से भी हो गई है ये आपके पिलर वगैरह ये चीज़ ब्लैक हो गई है, और अंदर से भी देख सकते हो आप यहाँ के पिलर व्हाइट हैं और ये चीज़ ब्लैक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है भाई इस गाड़ी के अंदर। बाकी स्टेयरिंग माउंट वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो भाई, ये सारी चीज़ प्रॉपर वर्क करेंगे वहाँ देख सकते हो।
ठीक है। और बाकी ये देख सकते हो टॉप मॉडल वाला जो मीटर है, जिसके लगने के बाद गाड़ी में जाना, गाड़ी जो है कुछ ये वाली है, मतलब फीलिंग देखो गाड़ी में बैठने के बाद जो फीलिंग आ रही है ना भाई, सबसे बड़े जो इसके जो सीट कवर है ना वो सबसे ज्यादा बढ़िया है, मतलब इतने ज्यादा कंफर्ट दे रहे हैं सीट कवर मुझे, मतलब बैठ के पता चल रहा है कि मैं कहीं बैठा हूँ, थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा सा फील भी आ रहा है हल्का सा, बट ये है कि गाड़ी पर लग रही है थोड़ी सी, मेरी हाइट भी हो सकती है, हाँ ठीक ठाक सी हाइट है मेरी भी, लेकिन ये है कि हाँ भाई इसमें सीट में ना मतलब फॉर्मिंग इतनी ज्यादा है कि आप इजिली आप बैठ सकते हो, उसको एडजस्ट भी कर सकते हो यहाँ से, और सीट वगैरह अगर आपको ZXI वाली सीट भी चाहिए ना तो वो भी मिल जाएगी, जो एडजस्टेबल वाली होती है वो भी मिल जाएगी, आप ऊपर नीचे सेट भी कर सकते हो, लेकिन ये भाई सीट कवर ना सच में बहुत ज्यादा बढ़िया है, मतलब सीट कवर ने ही सीट में जान डाल रखी है, सबसे बड़ी बात ये है। गाड़ी के अंदर आपको किसी भी कस्टमर की कोई चीज नजर आ जाती है तो भाई प्लीज कमेंट मत करना, क्योंकि वो कस्टमर चॉइस होती है, अगर कस्टमर कुछ भी चीज देखो, कभी ये पूरा डेमोक्रेसी वाला सीन है तो उसमें कोई हम किसी को कुछ चीज रोक नहीं सकते कि आप गाड़ी में क्या रखो क्या मत रखो, लेकिन जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ उस पर ध्यान देना। इसका स्टीयरिंग देखो भाई, पूरा OEM टाइप स्टीयरिंग जो है वो रैप हुआ है, और यहाँ देख सकते हो सारे बटन पूरे कंपनी टाइप वाले जो बटन होते हैं वो हैं, यहाँ देख सकते हो भाई मीटर जो है वो पूरा टॉप मॉडल वाला मीटर है, जिसके अंदर आप सारी चीज़ें मतलब तरीके से इसे बोलते हैं ना वाली चीज़ें, यहाँ से आप पूरा सब कुछ इसका चेंज भी कर सकते हो, सारी चीज़ें आप इसको काम करेगी। रेस की बात करूँ तो ये देख सकते हो भाई एक्सीलेटर, ये देखो भाई प्रॉपर काम कर रहा है इसका एक्सीलेटर भी, सारी चीज़ बढ़िया करेंगे इसके अंदर। ये वाला आमरे जो कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी रिक्वेस्ट है, देख सकते हो भाई अभी इसको इंस्टॉल भी करेंगे, दिखाऊंगा अभी इंस्टॉल करते हुए। ये क्या है, ग्लास होल्डर, अच्छा ये सिगरेट होल्डर नीचे वाला, ठीक है। और यहाँ पर इसमें USB मिल जाएगी आपको, ये देखो भाई सिगरेट वाला सीन भी है, मतलब सारी चीजें हैं इसके अंदर। अभी मैं एक बार थोड़ा सा पहले अंदर का कर लेता हूँ कंप्लीट, उसके बाद आपको इसका इंस्टॉल करना सर बात कर लेता हूँ। उसके सिस्टम के ऊपर तो यहाँ पर लगा है इसमें 9 इंचेस का प्लेयर, जिसकी साउंड जो है वो लाजवाब है, मतलब आपको साउंड भी सुना दूंगा अभी इसकी में ना, तो आवाज भी काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। बाकी टच वच देख सकते हो, मतलब हम लोग ना जो ये स्टीरियो वगैरह इंस्टॉल करते हैं वो काफी ज्यादा बढ़िया करते हैं आपकी गाड़ी के अंदर, पहले की बात अलग थी, पहले काफी ज्यादा स्लो आते थे, बट हम रिकमेंड ही वो चीज करते हैं जो कि आपको लॉन्ग टाइम तक दिक्कत ना दे, तो देख सकते हो ठीक है। और यहाँ पर देखो भाई एम्बिएंट लाइट देखो कितनी ज्यादा ब्राइट है, इतनी ज्यादा ब्राइट ना आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप इतनी ज्यादा ब्राइट आपको देखो भाई, मैंने 0.5 वाला पूरा कर दिया, देखो कितना दूर दूर कर दिया मैंने कैमरे को बिल्कुल वाइड एंगल में, उसके बाद देखो इसकी सबसे ज्यादा वाइड एंगल में करते ही ना लाइट खत्म हो जाती है, मतलब नजर नहीं आती। यहाँ देखो आपको ऊपर की लाइट भी जला रखी है मैंने, उसके बाद देखो कितनी ज्यादा विजिबिलिटी है इस साइड, देखो विजिबिलिटी इसकी इसलिए क्योंकि ये कार्डी कंपनी की है, और सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी जो आती है हम लोग वो यूज करते हैं, थोड़ी सी कॉस्टली होती है, हल्की सी कॉस्टली होती है, मतलब कॉस्टली क्या थोड़ा बहुत ही होता है, क्योंकि लोग जो नॉर्मल लगाते हैं ना उसमें हम कार्डी लगा देते हैं, समझ रहे हो, मतलब लोग लगाते हैं जिस प्राइस में नॉर्मल वाली कार्डी की बताकर, हम लगाते हैं यहाँ पे कार्डी वाली आपको डब्बा दिखा करके, देखो सर कार्डी का हम सामान लगा रहे हैं, तो ये देख सकते हो इसकी वारंटी भी होती है, सबसे अच्छी बात है कि आपको इसकी वारंटी मिलेगी, कभी भी कोई भी दिक्कत होती है आप वहाँ से बैठे बैठे कॉल करोगे ना तो हम आपको बता देंगे क्या सीन है कैसे करना है, तो ये देख सकते हो भाई गाड़ी की जो फील है ना बढ़िया लग रही है। बाकी डोर जो ये है ना ये क्रोम हैंडल, ये भी अगर आप चेंज करवा लेते हो ना तो इसमें मतलब बढ़िया चीज़ हो जाती है, इंटीरियर पूरा ऐसा लगता है जैसे ZXI वाला ही इंटीरियर में बैठे हो आप, बस इसके अंदर आपको एक की मिल जाती है यहाँ पे, जैसे कि टॉप मॉडल के अंदर आपको यहाँ पुश बटन मिल जाता है, बट उसको छोड़ करके बाकी LXI टू ZXI प्लस प्रो सब कुछ हो चुका है, सारी चीज़ें परफेक्टली वर्किंग कर रही हैं इसके अंदर, देखो साइड मिरर वगैरह सारी चीज़ परफेक्टली वर्क कर रही है। और यहाँ पर चेंज कर दीजिए इसकी गियर नॉब, पुरानी वाली जो गियर नॉब है ये देख सकते हो भाई, ठीक है इसको चेंज करके हमने डाल दी ये वाली, यही प्रॉपर बढ़िया है। बाकी इंटीरियर देखो भाई, यहाँ पे अभी आर्मरेस्ट नहीं लगा, अभी आपको आर्मरेस्ट लग के दिखाता हूँ, इंटीरियर तब आएगा इसका बढ़िया, इंटीरियर ये लगते के साथ ही ना अलग ही बात है। सो गाइस अब आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है इसमें BMW टाइप आर्मरेस्ट, और ये भाई ना पूरा मतलब स्क्रू के थ्रू टाइट होता है, कोई आपको सब पूछ रहे थे ना मेरे से कि भाई टाइट कैसे होता है कैसे लगेगा, तो ये स्क्रू के थ्रू लगता है भाई। कितने स्क्रू लग जाते हैं इसके अंदर भाई? 8-15 स्क्रू लग जाते हैं मजबूती के लिए, 15 रोकने के लिए, मतलब तरीके से हिले ना फिर उसके बाद, है ना? कोई खराबी तो नहीं आती इसके अंदर? कोई नहीं आती भाई, कुछ भी खराबी नहीं आती है, लेकिन ये है कि आपको अगर इस चीज को रोकना है तो इसके अंदर सारे 15 मतलब इसमें दे रखे हैं, 15 स्क्रू का ऑप्शन दिया हुआ है, तो 15 स्क्रू ऐसे नहीं जहां मुझे ठोक दिया, इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है तभी उस पर टिकता है, तो कंपनी वालों को पता था जिन्होंने ये बनाया है कि इसको इतने पे रोकना पड़ेगा तभी ये तरीके से चलेगा, कंपनी वाला फील देगा अदरवाइज ये नहीं देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई पूरा लग चुका है, अभी इसकी जो फीलिंग आपको दिख रही है तभी तभी सी, अभी एक बार सीट वीट वापस एडजस्ट करना है तो उसके बाद दिखाता हूँ कितना बढ़िया लगेगा, तो मतलब इंटीरियर जो है ना लग जाएगा इसके लगने के बाद कि हाँ अब है हाथ रखने की जगह। अब देखो इसका इंटीरियर कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है भाई, पूरा इंटीरियर जो है ना भाई लाइटिंग वाइटिंग सीट कवर वगैरह सारी चीजें बढ़िया लग रही है। और यहाँ है सबसे बड़ी बात आर्मरेस्ट की, तो ये कुछ आर्मरेस्ट इसके अंदर इंस्टॉल हो जाता है भाई, और फील देखो भाई कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, आपका हैंड ब्रेक भी बचा हुआ है पूरा, आप इजीली आप हैंड ब्रेक वगैरह लगा सकते हो, USB का ऑप्शन मिल जाते हैं पीछे ही मिल जाते हैं आपको, पीछे वाले जो बंदे बैठे हैं वो भी यूज भी लगा सकते हैं, आपको यहाँ से मैशअप करने की ज्यादा जरूरी नहीं है, एक चार्जर लगाया बाकी एक लगा दिया यहाँ पे USB का ऑप्शन, बाकी सारे ऑप्शन आपके चालू हो जाते हैं, आप कितने भी फोन आप लगा के इसके अंदर चार्ज कर सकते हो, डिपेंड ऑन कि आप कितने वोल्ट का
चार्जर यूज कर रहे हो, बाकी ये आपके सारे वर्किंग मोड में रहते हैं, ठीक है। तो मतलब सबसे अच्छी बात है ये वाले आमरेस की कि इसमें फील काफी बढ़िया आता है, चौड़ा भी काफी अच्छा है और काफी बढ़िया लगता है ये वाला। तो आप इसकी ना आवाज भी चेकआउट कर सकते हो भाई, सुनो बिना किसी एम्पलीफायर के साउंड आई है, विदाउट एनी एम्पलीफायर साउंड है। अब भाई एक बार ना लीड भी रिकमेंडेड है आपको कि आप एक बार ना इसकी लीड वगैरह, यूज हेडफोन फॉर बेटर क्वालिटी। मेरे हिसाब से भाई बेस बेस जो आ रही है बढ़िया आ रही है। अब आपको बताया था भाई इस ये प्लेयर कौन सा है और हमने इसके साथ क्या लगाया। तो सबसे बड़ी बात ये जो प्लेयर है भाई ये मेगा वॉक्स का प्लेयर है और हमारे पास ऐसे कई सारे प्लेयर है, जीवा का है, मेगा वॉक्स का, बहुत सारी कंपनी है, जो आपको सूटेबल लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें अच्छी साउंड आपकी गाड़ी के अंदर आएगी हम वो वाला चीज आपको फिट करके देते हैं। तो यहाँ पर हमने इंस्टॉल किए थे, ये देखो भाई ये आपको LXI मॉडल में नहीं मिलता है, ZXI मॉडल में मिलता है, ट्यूटर का शेल बोलते हैं इसको, ट्यूटर का प्लेसमेंट यही होती है। तो ये चीज वाला पॉइंट भी आपको अलग से मिल जाता है, ये शेल जो होता है ना जाली सी दिख रही है, इसके पीछे लगा हुआ है ट्यूटर इसके अंदर, जो कि हमने यूज किया था पाइनर के कंपोनेंट और पाइनर के कोएक्सियल स्पीकर। तो यहाँ लगा है पाइनर का कंपोनेंट वाला स्पीकर और यहाँ लगा उसका ट्यूटर, पीछे लगे हैं दोनों ही गेटों के अंदर पाइनर के कोएक्सियल स्पीकर। तो कंपोनेंट आगे हो गए, पीछे कोएक्सियल होगा, उसकी जो साउंड है भाई वो ये वाली है, काफी ज्यादा प्यारी आवाज है। बाकी देख सकते हो आप भाई सारी चीजें वर्किंग मोड में। गाड़ी कैसी लगी भाई एक बार आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। गाड़ी का हो चुका है सारा का सारा काम, गाड़ी लग रही है बहुत बढ़िया। बाकी आपको एक चीज तो बता देता हूँ, यहाँ पर जब हम ग्रिल लगाते हैं तो इस ग्रिल के बाद आप लोग पूछते हो कि इसकी नंबर प्लेट जो है वो कहाँ जाती है, तो नंबर प्लेट जो है तो उसकी नीचे की तरफ में लग जाती है कुछ इस वाले सेक्शन में, जहाँ पे भाई लगा रहा है तो इस सेक्शन के अंदर ये नंबर प्लेट फिट हो जाती है। पूरी जाली आपको ऐसी दिखती है, यानी कि आपकी जाली जो है आपका जो ग्रिल है वो खराब हो जाए, तो ग्रिल जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। कि ये जो गाड़ी मॉडिफिकेशन हुई है वो हुई है माही कार एसेसरीज पे, और सबसे अच्छी बात जो लोकेशन है ना भाई इसकी, जब आप इस रोड से अंदर की तरफ आते हो तो यहाँ पर माही कार एसेसरीज मिलेगा आपको। नानक होटल है, नानक होटल के जस्ट नीचे माही कार, ये पूरा नानक होटल है पूरा ऐसे माता, और इसके जस्ट नीचे है माही कार एसेसरीज, एक शॉप, दो शॉप और तीन शॉप, तीनों शॉप पे, बाकी दो दो स्विफ्ट खड़ी हुई है इस टाइम इस पे काम हो रहा है, और एक हमारे पास से जा भी चुकी है जिसमें पूरी मॉडिफिकेशन हो गई थी। आपको भाई थोड़ा लेट हो गया था वो दिखा नहीं पाया, बट यह है कि हाँ आप मेरे चैनल पे काफ़ी सारी स्विफ्ट इस शॉप की देख सकते हो, तो भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बाकी मनीष भैया का नंबर यहाँ पे आ रहा है, नाम यहाँ आ रहा है, नंबर यहाँ आ रहा है, और पूरा का पूरा एड्रेस भी आ रहा है किस जगह पे है ना, ये वाला रोड वगैरह सारा कुछ पूरा एड्रेस आ रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो आपके आपको पता चल जाए कि हाँ ये वाला बोर्ड है, इजीली आप आ सकते हो ना, किसी से पूछोगे माही कार कहाँ पे तो वो आपको यहीं पर ला के छोड़ेगा, और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें ईजिली स्विफ्ट की मिल जाएगी। गाड़ी अब आप चेकआउट कर सकते हो भाई, कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, मतलब अलॉय वलॉय सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। गाड़ी के बैक साइड की तरफ में आपने देख ही लिया यहाँ पे कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है, और एक बार चलते हैं गाड़ी की बैक साइड की तरफ में। तो ये देखो भाई ये कुछ नए तरीके का पिलर लाइट है, एक बार भाई इसको भी करके दिखाऊंगा कैसे चलेंगे, देखो भाई आप देख सकते हो भाई कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है, मतलब पहले मैट्रिक्स में चलती है, और ये देखो भाई गाड़ी काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, नीचे ही मैट्रिक्स हो गया और ऊपर ही मैट्रिक्स हो गया, पिलर लाइट अपनी मतलब एक अलग नई तरीके की पिलर लाइट जिसे बोलते हैं वो है ये वाली, तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। बाकी आप लोग कमेंट करके बता देना कि भाई जो माई कार एसेसरीज पे काम होता है ना भाई वो किस तरीके का काम होता है, मतलब आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर डाल देना, क्योंकि कमेंट करोगे तभी समझ आएगा, तभी उस तरीके से काम को भी अपग्रेड किया जाएगा और वीडियो को भी अपग्रेड किया जाएगा। बाकी काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है गाड़ी, गाड़ी में हो गया था सारा का सारा काम, और जो भी चीज इसके अंदर इंस्टॉल होती है जितने भी प्रोडक्ट हम इंस्टॉल करते हैं हमारे जो जेन्युइन होता है या फिर आफ्टर मार्केट भी होता है, तो यहाँ मनीष भैया हमें बताएंगे सारा कुछ कि कौन कौन से प्रोडक्ट ये हम इसमें यूज करते हैं भैया। यहाँ पे जो हमने रखी है ना जो फ्रंट ग्रिल है ये वाली, ठीक है, ये आफ्टर मार्केट वाली आरएस ग्रिल है ना, आरएस ग्रिल वाली, ठीक है, ये कंपनी की टॉप मॉडल वाली, मतलब जो न्यू ब्रांड में आ रही है 2021 से जो आ गई थी, ये डोर पैनल ZXI प्लस का, ये डोर पैनल ZXI का। अच्छा VXI वाला है, VXI में ये ब्लैक आता है, हाँ, ये कार्बन। अच्छा कार्बन वाला आ रहा है, ये देख सकते हो आप, ये वाला कार्बन है, और यहाँ पर इसमें ये वाली फिनिशिंग आएगी, ठीक है, क्रोम टाइप में ऐसा कुछ आएगा, हमने जो ये मीटर है सारे ZXI प्लस के, ये
सारे ZXi प्लस वाले ना अपनी बड़ी स्क्रीन वाले, ठीक है। अगर कोई भाई अगर कहता है भैया VXi वाला लगवाना है तो वो भी मिल जाता है, वो भी मिल जाएगा। इनका प्राइसिंग वगैरह क्या है वैसे भैया? 11,500 की विद इंस्टॉलेशन के साथ, ठीक है। और ये अपनी हेडलाइट जो है टॉप मॉडल वाली, हेडलाइट भी है 28,000 की विद इंस्टॉलेशन, ये भी है, ठीक है। और ये क्या दिखा रहे हो आप? ये इनर हैंडल है। इनर हैंडल, अच्छा ठीक है। जो ब्लैक वाले आते हैं वैसे ALXi में जो आते हैं ना, तो ये चीज देख लो भाई पूरा हो जाता है। इसमें कुछ भैया कुछ कटवट होता है या डायरेक्ट लग जाता है? ऐसे ही कपलेट कपलेट, मतलब यहाँ पे जो है ना, हाँ ये लीवर लगता है यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। कटिंग इसका क्या प्राइस रहता है? रहता है 4 लगते होंगे तो 1100 कहीं भी लग सकता है, मतलब थोड़ा बहुत प्राइस कभी 1000 कभी 1100 रहता है, लेकिन ये चारों गेट का लग जाएगा ना। तो यहाँ देख सकते हो भाई आप, ये और भी डोर हैंडल्स वगैरह यहाँ पे कितने अभी है अपने पास? ये डोर हैंडल सभी गाड़ियों के लिए हो जाएंगे? मारुति की सारी गाड़ियों में सेम लगता है, सेम ही लगता है ना, मारुति में भी बल्कि सेम ही लगता है, ठीक है। तो मतलब यार देख लो यहाँ पे कमी नहीं है, आप ये चीजें सारी इंस्टॉल करा सकते हो, देख सकते हो आप। ये डिजिटल लॉक है, ठीक है। अच्छा जैसे बूट ओपनर जो अपना करते हैं बटन दबा के ना, वही है ना, तो देख सकते हो भाई आपका जो नॉर्मल वाला होता है वो, ये भी प्लग इन प्ले वाला सीन होता भैया? हाँ, गाड़ी के वायर किसी भी काम में कट नहीं होती, नहीं होती है, ठीक है। मतलब कोई भी वारंटी आउट नहीं होगी आपकी ना, तो ये चीज देख सकते हो भाई ये पूरा है। इसमें क्या क्या चीज यूज होती है भैया? इसमें भैया वायर ये लगता है, एक तो लॉक हो गया, एक ही हो गया, एक इसका स्विच आता है, ठीक है। तो इसकी ऑलरेडी वायर दी होती है हमें या फिर आप लोग वायर लगाते हो? वायर एक लगी होती है, दो वायरिंग एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है, वो हम लोग कर लेते हैं। ओके ओके, ये बटन हो गया इसका, ठीक है। तो ये ओपन वाला जो स्विच हो गया, बाकी ये सारा पूरा सिस्टम, मतलब ये तीन चीजें लगती हैं और बाकी वायरिंग लगती है और आपका बूट अपना चालू हो जाता है, ठीक है। तो मतलब फिर इसके बाद आपको डायरेक्ट पीछे बटन दबाना है, गाड़ी खुल जाएगी आपकी ना, डिग्गी खुल जाएगी। इसके अलावा ये जो हमने टेल लाइट इस गाड़ी में लगाई है ना, वो मार्क्स स्टाइल वाली है, ये वाली मर्सिडीज वाली ना, ठीक है। इसके अलावा ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, ये वी लैंड वाला है ना, सी क्लास मर्सिडीज बोलते हैं ना, ओल्ड वाली में जो आ जाती है, ठीक है। तो भाई ये वीलैंड वाली है, देख सकते हो आप। इसमें रेड कलर भी अवेलेबल है, इसमें भी रेड कलर अवेलेबल है, दोनों में। कौन कौन से कलर आते हैं टोटल इसमें? इसमें रेड स्मोक, इसमें भी रेड स्मोक आता है, ठीक है। इसके अलावा और भी जो हमने टॉप मॉडल वाली दिखा दी, ये है ताइवान के जितने ही मॉडल आते हैं हेडलाइट के, ठीक है, वो भी अवेलेबल है। चाइना वाली जो हेडलाइट आती है वॉलमैक्स वाली, वो भी अवेलेबल है। हेडलाइट के लाइट में जितने डिजाइन आते हैं सारे अवेलेबल है। और जो अपना मारुति के जितने भी जनरल पार्ट है जो गाड़ी में लगते हैं, मिरर हर चीज, ये मिरर वगैरह सब कुछ है, ठीक है। अच्छा, पीछे की साइड में रखा हुआ है, ठीक है, अवेलेबल होता है, मतलब दोनों साइड के मिरर वगैरह सब कुछ होगा। बाकी इसके अंदर एक नोब भी लगती है जिसको मिरर आप सेट वगैरह कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, क्लोज। पावर विंडो हम लोग लगा के देते हैं। वो क्या रहेगा भैया इसका मिरर का प्राइस क्या रहेगा? 10,000 विद इंस्टॉलेशन, वो बटन वटन सब कुछ लगा करके, ठीक है। ये भी बढ़िया बात है। और बाकी इनका क्या क्या प्राइस है भैया वैसे बात करें तो? 9500 इसका, 95 है, ठीक है। 11,000 हेडलाइट, 28,000 ये तो आपने बताया था। और आफ्टर मार्केट में क्या क्या प्राइस रहते हैं वैसे? जैसे डबल DRL वाली एक आती है, सिंगल DRL 23,500, डबल DRL 24,500, ठीक है। उसमें फिर डबल डी आर वाली में LED और लगता है ना, अलग से कुछ लगता है? जो ताइवान वाली जितनी भी हेडलाइट आएगी ना भैया, इसमें LED HID जो भी लगी वो सारे पार्ट अलग लगेंगे, पार्ट अलग लगेंगे वो सारे के सारे, ठीक है। और बाकी ये देख सकते हो भाई इसका दूसरा वाला पीस यहाँ पड़ा हुआ है, बाकी बॉक्सेस वगैरह सब यही है। और यहाँ पर ये भी मीटर ही रखे हैं इसके अंदर, और यहाँ पर भी भाई ने मीटर ही रखे हैं, मतलब मारुति जनवन का आपको ना सारा कुछ मिल जाएगा। और बलिनो का भी अपना पास सारा सिस्टम रखा हुआ है, यहाँ जो है इसके अलावा गोडाउन में बहुत है, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, उतना मिल गाड़ी का सामान चाहिए वो सारा। तो वो तो मैंने कई वीडियो में अंदर दिखा भी रखा है कि जब अपना सामान आता है तो कितने डोर्स, कितने सारे डोर पैनल अपने आते हैं। आफ्टर मार्केट में हम जितनी चीजें यूज करते हैं वैसे इनके अलावा, जैसे IPS का प्रोजेक्टर हम यूज करते हैं, रिफ्लेक्टर यूज करते हैं, तो वो सारा कुछ क्या रहता है उनका हिसाब किताब कैसे रहेगा? प्रोजेक्टर IPS के तकरीबन सारे कस्टमर को ना रेट का आइडिया है, प्रोजेक्टर LED नाइट आई क्रिस्टल आई जितने भी जो भी सामान सब अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये वाले प्रोजेक्टर लगाते हैं हम, वैसे इसके इनबिल्ट LED वाले भी आते हैं इसके अंदर, और एक अच्छा ये इनबिल्ट LED वाले हैं, ठीक है। और एक इसका ये साइड वेंट भी दिखा दो जिसको हम यूज करते हैं, एक बार बता दो, थोड़ा पता चल जाएगा, नॉलेज में भी आ जाएगा। ये जैसे हमने मिरर लगाया ना भैया गाड़ी में, ठीक है, इंडिकेटर वाला जगह खाली बच जाता है, ALXi के लिए होता है ना सिर्फ ये, ठीक है। ये साइड वेंट लग जाता है, तो ये साइड वेंट है भाई, अलग अलग तरीके आते हैं, किसी को ये चीज पसंद आती है, किसी को नहीं भी आती, तो अलग अलग तरीके के आपको मिल जाएंगे ये चीज भी। तो आपका इंडिकेटर हट जाता है वहाँ का जो फेंडर पे होता है, और उसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, तो ये चीज भी बढ़िया हो गई है। और भी है इसके अंदर क्या लगाते हैं हम लोग आफ्टर मार्केट के तौर पर? अगर एम्बिएंट लाइट होगी जैसे ये रखी हुई है अपनी, कितने कितने पीसेस होती है? 5 पीस, 6 पीस, 9 पीस, 20 पीस, 18 पीस, 14 पीस, सारे लग जाते हैं, सब पे विद 1 ईयर वारंटी, विद 1 ईयर वारंटी। मतलब ये चीज आपको भाई कहीं नहीं मिलेगी कि आपको ना एम्बिएंट लाइट के ऊपर भी वारंटी मिलती है, लोग लगा देते हैं बट वारंटी का कोई सीन नहीं होता, यहाँ पर आपको बोल के वारंटी दी जाती है। तो ये वाली भी देख सकते हो यहाँ पे जो रखे हुए डब्बे, सारे भाई सारे भरे हुए डब्बे हैं, ठीक है। ये देखो 14 पीसेस के है इसके अंदर, यहाँ पर भी लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 20 पीसेस वाला है, ठीक है।
और ये रखे हुए कितने 5 पीस वाले होने स्पीकर वाले हैं ये ना कार्डी ने अब ये भी बना दिया स्पीकर रिंग में भी लाइट आ जाती है। अच्छा मतलब जो चारों गेटों में स्पीकर लगता है उसके ऊपर लग जाएगा रिंग में अंदर ये अंदर से लगेगा ना खोल करके इसके शैडो नजर आएंगे। ठीक है ठीक है तो मतलब ये जब जलेगी तो ऐप से कंट्रोल होगा जिससे एम्बियंस लाइट और पैरों वाली लाइट दरवाजे वाली लाइट कंट्रोल होगी। अच्छा उसी से ही कनेक्ट होगा ये। ठीक है मतलब इसमें लाइट जलेगी बेसिकली ये और स्पीकर में हमें अलग ही नजर आएगा मतलब यहाँ पे जैसे हम लगा देंगे तो ये चीज आपका ये अंदर की साइड में होगा और यहाँ पे आपको एक लाइट सी चलती हुई नजर आएगी चारों गेटों के अंदर। तो कई लोगों की डिमांड थी उस डिमांड पे ये चीज भी आ गई है ना। हमने पहले जुगाड़ करके कुछ लगाया था लाइट वेट करके अब ये चीज परमानेंटली आ गई। तो ये कितने पीसेस वाली में आता है वाला ऑप्शन 22 वाला जो अपने पास लाइट आती है हेडलाइट जो होती है वो यूज में भी आती है कुछ तो यूज वाली का क्या प्राइस रहता है उसे 13,000 और इसमें वही बिकती है। तो भाई ये कुछ कंडीशन होती है इसके अंदर हम कैसे करके लगाते हैं भैया इसको ये ग्लास इसमें जो है ना गाड़ी का लगा देते हैं जो एलेक्सा मॉडल आता है ना जैसे नई गाड़ी होती है तो उसका शीशा नया होता है वो वाला शीशा निकाल के इसमें लगा देते हैं मतलब जिसका भी अगर शीशा क्लियर है उसका हम इजिली लगा देंगे इस पे। तो लगा करके सब कुछ करके 13,000 का प्राइस अपना। तो भाई ये देख लो भाई कुछ इस तरीके की कंडीशन में होती है ये वाला ग्लास आपका उतर जाता है और दूसरा वाला लग जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर कुछ एलईडी वगैरह की जरूरत पड़ती है वैसे हमें सब इनबिल्ट होता है ना इसमें भी और इसमें भी दोनों में इनबिल्ट होता है मतलब ऐसा कुछ नहीं है ये पूरी वही जेन्युइन वाला पार्ट है ये भी अपना और ये भी जेन्युइन वाला पार्ट है। तो इसका प्राइस 13,000 है ना तो ये भी ठीक है। और ये क्या भी है डैम्पिंग वगैरह हम जो हमने गाड़ियों में जैसे दोनों स्विफ्ट तीनों स्विफ्ट इसमें डैम्पिंग करी है ठीक है वो यही ऑडियो बैंक की करी है। ये हम लोग 650 रुपए की एक शीट लगाते हैं 650 रुपए की एक शीट 600 रुपए की लगाते तो एक गाड़ी में 10 शीट लग जाती है। मैंने आपको दिखाया भी था भाई ये वाली शीट जो है अंदर की साइड से लगी हुई थी मैंने बताया भी था जब बगल वाली स्विफ्ट में तैयार होती और ये वाली अपनी हो चुकी थी तो मैंने दिखाया था ये भी लग चुकी है इसके अंदर। तो दोनों गाड़ियों मतलब डैम्पिंग 10 शीट रहेगी इसके अंदर। अब जैसे जैसे गाड़ी बड़ी होती चली आएगी वैसे बढ़ती चली आएगी। और अगर बंदे को फ्लोर वगैरह कुछ करवाना है फ्लोरिंग पे भी हो जाती है वहाँ भी तकरीबन 8-9 शीट लगती है अभी वहाँ भी 650 का एक शीट है भैया जितने भी शीटें लगे होते जाते 650 का एट है। और बाकी इसमें कुछ क्वालिटी भी आती है इसके अंदर बहुत है भैया बहुत ब्रांड है। तो कितने तक जाता है वैसे अमाउंट अगर बात करें 800-850-900 ठीक है। तो भाई मतलब मैं आपको ना सारी चीज़ें खोल के इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा टाइम लेके बता रहा हूँ ताकि आप ये सारी चीज़ों का जो एग्जैक्ट प्राइस होता है ना वो आप लोग देख लो। मारुति जेन्युइन सारे प्रोडक्ट मैंने दिखा दिए आपको आफ्टर मार्केट सारे प्रोडक्ट दिखा दिए हैं सारी टेल लाइट दिखा दी है बाकी जो नहीं दिखाई है वो भी अवेलेबल आपको मनीष भाई ने बताई दी है। बाकी डोर पैनल्स वगैरह या डैम्पिंग जो भी चीज आपको करवानी है आप आ सकते हो। साइड में आपके साथ नंबर आ रहा है माही का एसेसरीज का नंबर आ रहा है मनीष भैया का 9873 करके समथिंग कुछ नंबर है भैया का तो उस पर डायल करके आप पता कर सकते हो। अगर कोई भी प्राइसिंग आपको फिर भी कुछ लगता है तो आप वो चीज भी पूछ सकते हो और आ सकते हो। फिलहाल के लिए भाई करते हैं वीडियो को एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भूलना चैनल को नहीं सब्सक्राइब करें तक अभी तक आपने नहीं किया खत्म करते हैं इस वीडियो को भाई। जय हिंद जय भारत।